अब पंजाब में भी लगभग वही स्थिति है जो कुछ वर्षों से दिल्ली में बनी हुई है। पंजाब में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच अक्सर तकरार होती रहती है, मगर अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी दे दी कि वे राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। कोई भी राज्यपाल ऐसा कदम तब उठाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल नजर आने लगता है। वहां की सरकार कानून व्यवस्था संभालने में लाचार हो जाती है। दरअसल राज्यपाल मुख्यमंत्री से इसलिए खफा है कि वे उनके सवालों का जवाब नहीं देते। इस साल फरवरी में जब पंजाब सरकार ने स्कूलों के 36 प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर भेजा था, तब भी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कड़ा सवाल पूछा था कि किस अधिकार से उन्होंने प्रधानाचार्यों को सिंगापुर भेजा। इसके जवाब में मुख्यमंत्री मान ने उनके राज्यपाल पद पर नियुक्ति को ही प्रसन्नांकित कर दिया था। ऐसे ही तल्खी भरे बयान दोनों तरफ से जब तब आते रहते हैं। अभी जब राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की चेतावनी दी तो मान ने प्रेस वार्ता करके कहा कि इन्हें कानून व्यवस्था की समस्या सिर्फ पंजाब दिखाई देती है। पड़ोसी राज्य हरियाणा के नुह में किस तरह हिंसा हुई, किस तरह मणिपुर महीनों से जल रहा है, वह दिखाई नहीं देता। पंजाब के राज्यपाल की इस चेतावनी के बाद स्वाभाविक रूप से फिर एक बार राज्यपालों की नियुक्ति उनके अधिकार क्षेत्र और कामकाज के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी दलों को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। इस बहाने दूसरे राज्यों के राज्यपालों के मुख्यमंत्रियों से टकराव की सूची भी पेश की जाने लगी है। दरअसल सबसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार ने दिल्ली में चुनी हुई सरकार की शक्तियों को उपराज्यपाल के हाथों में केंद्रित करने का कानून बनाया है। तब से न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि तमाम विपक्षी दल हमलावर हैं। अब पंजाब के राज्यपाल ने एक तरह से चुनी हुई सरकार को
पदस्थ करने की खुली धमकी दे दी है। स्टॉप।